हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर चैनल माय इंजीनियरिंग सपोर्ट। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट क्वांटिटी इन 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, जिसमें मैंने वॉल्यूम कैलकुलेशन करते हुए 1.54 से मल्टीप्लाई किया था। तो बहुत से कमेंट आए कि आपने 1.54 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, तो उसी को आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कॉन्क्रीट कैलकुलेशन में 1.54 क्या होता है और इससे मल्टीप्लाई करना क्यों जरूरी होता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप वह वीडियो भी जरूर देख लें ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, जब भी हम कंक्रीट मटेरियल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा वेट वॉल्यूम को 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम अचीव करने के लिए। तो चलिए देखते हैं सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी कैलकुलेट करने में 1.54 का क्या रोल है। तो मान लो हमारी एक क्यूब है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट है 1 मीटर। वैसे क्यूब का मतलब भी यही होता है कि जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो उसे ही हम क्यूब कहते हैं। और जब हम इस क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे तो ये हो गया L×B×H=1 क्यूबिक मीटर, जो हमारा इस क्यूब का वेट वॉल्यूम है, ये ध्यान रहे। और जब हम इसे ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 54% वेट वॉल्यूम से ज़्यादा होगा, क्योंकि वेट वॉल्यूम हमेशा ड्राई वॉल्यूम से 54% ज़्यादा होता है। तो ड्राई वॉल्यूम हो गया हमारा वेट वॉल्यूम प्लस 54% ऑफ वेट वॉल्यूम। तो वेट वॉल्यूम है हमारा 1 क्यूबिक मीटर प्लस 54% हो गया 54/100×1, क्योंकि ये है 54% ऑफ वेट वॉल्यूम और ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो गया हमारा 1.54। तो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का वेट वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने पर हो गया 1.54 क्यूबिक मीटर। मींस अगर एन क्यूबिक मीटर कंक्रीट का वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो गया 1.54×n, जहां n हमारा वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो हमारा ये एक और क्यूब है जिसकी लेंथ है 4 मीटर, विड्थ है 3 मीटर और हाइट है 2 मीटर। तो इसका वेट वॉल्यूम हो गया हमारा L×B×H=4×3×2=24 क्यूबिक मीटर और इसका ड्राई वॉल्यूम हो गया हमारा वेट वॉल्यूम प्लस 50% ऑफ वेट वॉल्यूम। तो ये हो गया 24 + 54/100×24=36.96 क्यूबिक मीटर। ओके फ्रेंड्स, और हमेशा याद रखें कि हमारे पास कैलकुलेशन में पहले वेट वॉल्यूम होता है जिसे ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही वजह थी मेरी उस वीडियो में क्वांटिटी फाइंड आउट करते हुए 1.54 से मल्टीप्लाई करने की। तो उम्मीद करूंगा कि अब आप इसे अच्छे से समझ गए हैं और ये जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए गाइज, जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लूंगा, धन्यवाद।